हेलो गाइस, मैं प्रियल आपका प्रियल मैम रीजनिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, ऑर्डर रैंकिंग। तो आज हम देखेंगे कि ऑर्डर रैंकिंग किस टाइप के सवाल आपके SBI क्लर्क या फिर किसी भी बैंकिंग एग्जाम का अगर आप देखे आते हैं प्री लेवल पे, कोई भी बैंकिंग एग्जाम हो तो प्री लेवल पे किस टाइप से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे कोई भी, मतलब चाहे IUPS हो, चाहे RRB हो, चाहे आपका ये SBI हो रहा हो, कोई भी पेपर देखोगे आप लोग बैंकिंग का, तो आप देखोगे ऑर्डर रैंकिंग से अराउंड आपके दो सवाल आते हैं। मैं लिख भी रखा है, अराउंड 2 क्वेश्चंस आपके ऑर्डर रैंकिंग से मेनली पूछे ही जाते हैं। ठीक है, बहुत आसान सवाल लाते हैं, लेकिन अगर आप सोचो कि SSC में या फिर रेलवे में या फिर आप किसी और पेपर में ऐसा पढ़ते हो क्या सवाल वैसे आते, नहीं, बैंकिंग में सवाल उस टाइप का नहीं आता। हल्का फुलता मिलता जुलता जरूर होता है, पर उस लेवल का नहीं होता। हल्का सा लेवल उसका फर्क होता है, उसमें एक से अधिक चीजें पूछी होती है रैंकिंग के अंदर भी। रैंकिंग में भी एक चीज नहीं पूछता वो, रैंकिंग में भी एक से अधिक चीजें पूछता है। देखो बैंकिंग का सिलेबस अगर आप देखोगे होता वही है जो आप SSC रेलवे या फिर किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ते हो, पर हर किसी मतलब हर टॉपिक का लेवल अलग होता है। तो आज हम सीखेंगे ऑर्डर रैंकिंग किस टाइप के सवाल आपके बैंकिंग में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती है, रेगुलरली ये क्लास आपकी शाम को 7 बजे होती है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आप सभी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए आज फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए और एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं ऑर्डर रैंकिंग से, तो शुरुआत ही हम सवालों से करेंगे। ठीक है, क्योंकि बिना सवाल कोई मतलब वाली बात नहीं है, शुरुआत ही हम सवालों से करेंगे। तो ये लीजिए आपका पहला सवाल, ये सवाल आपका नॉर्मल सवाल है जो आपका चाहे SSC में हो चाहे रेलवे में हो, हर जगह यही सवाल पूछे जाते हैं। मेनली लेवल बढ़ाएंगे हम लोग वन बाय वन। पहला सवाल आपका ये रहा, देखते हैं। 5 दोस्त हैं, ठीक है, 5 दोस्त हैं, M K से लंबा है, M जो है, देखो सवाल ऑर्डर रैंकिंग में क्या है, आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर रैंकिंग में कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ नया मैं बताऊंगी, मैं केवल यही बता सकती हूँ आपको कि अगर लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और डायग्राम को ड्रॉ करते रहेंगे तो आसान रहेगा। ऐसे देखो मैंने एक लाइन पढ़ी, एम के से लंबा है, मैंने बना लिया, एम जो है के से लंबा है, मैंने बना भी लिया, ऊपर एम हो गया नीचे के हो गया। अगर आप ऐसे लिखते हैं एम लंबा है के से, तो ऐसे कभी मत लिखना, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। हमेशा इस टाइप से देखना, एम लंबा है तो ऊपर आएगा, छोटा है तो नीचे आएगा, इस टाइप से लिखेंगे। ठीक है, लेकिन y से नहीं, m k से तो लंबा है लेकिन y से लंबा नहीं है, तो y के नीचे आएगा, पहली लाइन हो गई। फिर लिखा है h y से लंबा है, h जो है y से भी लंबा है, h y से लंबा है लेकिन a से नहीं, लेकिन जो है a से छोटा है, a से छोटा हो गया। ठीक है, a से नहीं, अगर वह अपनी लंबाई के बढ़ते क्रम के अनुसार खड़े हैं तो उस पंक्ति में सबसे लंबा कौन है। 5 लोग, 1 2 3 4 5 सारे हो गए, तो उस पंक्ति में सबसे पहला व्यक्ति कौन होगा। अब मजे की बात यह है, देखो क्या लिखा हुआ है, बढ़ते क्रम में लिखे हुए, मतलब सबसे छोटा वाला पहले लिखा जाएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो पहला व्यक्ति कौन है, तो पहला व्यक्ति ये नहीं होगा, पहला व्यक्ति ये होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, अब के आपका करेक्ट आंसर है। मेनली आप कहां गलती करोगे, क्वेश्चन को समझने में, पूरा ये सही कर लोगे फिर आपको ये बनाने में दिक्कत होगी कि सवाल में पूछा क्या है। तो हर एक सवाल को बहुत ढंग से पढ़ना, सबसे मेन चीज बैंकिंग के अंदर यही होती है। क्लियर हो गया आपका पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ठीक था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखो धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे, ये मत सोचिएगा सेम लेवल का सवाल होगा, धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाएंगे। अगला सवाल देखिए, ये है आपका बैंकिंग के लेवल का सवाल, ये क्या है आपका बैंकिंग के लेवल का सवाल है। देखिएगा जरा इस सवाल को, ठीक है, इस सवाल को देखते हैं हम। ठीक है, बताएगा इस सवाल का जवाब कैसे होगा, देखो पढ़ते हैं। 6 मित्र हैं, ABCDEF, ठीक है, 6 मित्र हैं और F में से प्रत्येक एक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त करते हैं, सभी के अलग अलग मार्क्स आते हैं। ठीक है, C ने केवल A और E से अधिक अंक प्राप्त किए, अगर हम लोग 6 लोग हैं तो 6 में से C किससे ऊपर है, केवल और केवल A और E से, मतलब A और E सबसे नीचे हैं और उससे जस्ट ऊपर कौन होगा, C होगा, C से नीचे केवल A और E है। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, D ने केवल B से कम अंक प्राप्त किए है, D ने क्या किया, केवल सबसे ऊपर जो भी है E है, केवल E से कम अंक किसके हैं, D के, मतलब सेकेंड नंबर पे D है, उसके ऊपर D से ऊपर केवल E है, E के ऊपर कोई भी नहीं है। बात ये क्लियर हो गई, ठीक है, B से कम अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है,
ई ने सबसे कम आम अंक प्राप्त नहीं किए। अब देखो, अब देखना यहां पे इस चीज को मैं कैसे बनाऊंगी। सी से नीचे ए आएगा, उसके नीचे ई आएगा, एक कंडीशन। सी के नीचे ई आएगा, उसके नीचे ए आएगा। लेकिन सवाल में ये साफ साफ दिया हुआ है ई सबसे नीचे नहीं आएगा, तो ये कंडीशन तो रॉन्ग हो गई। कंडीशन क्या बची? ये वाली कंडीशन क्या बची आपकी? ये वाली। देखो, दो लोग ये बैठ गए, तीन लोग ये बैठ गए, अब बचा क्या आपका? अब देखो साफ हो गया, ये फिक्स है, ये ऐसे ही बैठने, ये भी फिक्स है, ऐसे ही बैठने। तो बीच में कौन आएगा जो बच गया? ए बी सी डी ई और एफ। एफ बीच में आ गया, तो लाइन कैसे बन गई? अभी देखो, ए ई सी एफ डी और बी, ये आपका लाइन बन गई। अब सवाल में पूछा क्या है? देखो सवाल देखने समझना क्या पूछा हुआ है। जिसने तीसरा सबसे अधिक अंक प्राप्त किया है, एक दो तीन, उसके कितने हैं? 92 मार्क्स है, 92 है। ई ने 58 किया है, ई ने 58 अंक प्राप्त किए हैं। तो पूछा क्या है? तो जिस व्यक्ति ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं उससे एफ से 13 अधिक है, मतलब जिस व्यक्ति ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं उसके कितने हैं? एफ से 13 अधिक है। एफ से इतने हैं इसके, 92 प्लस के 13 है, कितना हो गया 5, ये 105 अंक प्राप्त किए हैं। तो पूछा है निम्नलिखित में से, ऑप्शन देती हूं भाई मैं आपको, ऑप्शन क्या है आपके? 96, 60, 89, 78 और 81। इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन सही है कि डी ने इनमें से कौन से अंक प्राप्त किए होंगे? देखो हमें केवल अप्रोक्स बताना है। हमें क्या है, डी कहाँ यहाँ पे, मतलब एफ से ऊपर है और 105 से कम है। 92 और 105 के बीच में कौन सा नंबर है? 96 है। ये आपका सही आंसर हो गया, ये आपका सही आंसर हो गया। तो मेन बात क्या थी आपके यहाँ पे? इस डायग्राम को ड्रॉ करना, इस डायग्राम को ड्रॉ करना, यही यहाँ पे मेन बात थी। डायग्राम ड्रॉ हो गया, क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा आपका। क्लियर हुआ सवाल आपको? आई थिंक आपको ये सवाल भी क्लियर हुआ होगा। अब देखिए एक स्टेप और बढ़ते हैं। देखो अभी भी सिंगल सिंगल चीजें थी, इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं था, नंबर्स का खेल था। अब देखिए एक चीज और बढ़ेगी सवाल में आपको, अब एक चीज और बढ़ेगी आपके सवाल में। देखिएगा भाई सवाल को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है? सवाल को बहुत अच्छे से देखिएगा, बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, जरा बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा भाई। अगर आपको लगता है क्लास यूजफुल है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप लोग देखो मेरी क्लास है, मैं आपको यही बोलूंगी कि आप क्वेश्चन पे ना ध्यान देते हो, अप्रोच पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन तो आपको ढेरों मिल जाएंगे हर जगह, आप अप्रोच पे फोकस कीजिएगा, वो आपके काम आएगी। यहाँ पे अप्रोच बहुत जरूरी है। यहाँ पे बैंकिंग के एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच, कि आप क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं, कि जल्दी सॉल्व हो रहा है वो सवाल। क्लियर हुआ? अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 लोग हैं बैठ गए हैं, ठीक है, 6 व्यक्ति है। ओ की लंबाई वी से अधिक है, ओ की लंबाई क्या है? वी से अधिक है, लंबाई ओ ज्यादा वी से, किंतु टी से कम है, लेकिन टी से कम हो गई, ठीक है। एस वी से, एस जो है वी एवं ओ, एस तथा वी और ओ क्रमशः 9, 7 और 3 कक्षाओं में। अब देखो एक और चीज बात आ गई, क्या बात आ गई? एस वी और ओ, एस देखो एस वी और ओ कहां पे है? ये 9वीं कक्षा में है, ये 6ठी कक्षा में, और ये आपका 9वीं, 7वीं और तीसरी, ये 7वीं में और तीसरी, ये कक्षाओं के नाम है, ये 9th में, 7th में, 3rd में। देखो दो चीजें आ गई, कक्षाएं भी आ गई आपकी और लंबाई भी आ गई। अगली लाइन क्या दे रखी है? एस की लंबाई सबसे अधिक है, एस क्या है? सबसे लंबा एस ही है, सबसे लंबा क्या है? एस है, एस से ऊपर कोई है ही नहीं, ठीक है। एस की लंबाई सबसे अधिक है एवं वह सबसे शीर्ष कक्षा में भी है, मतलब सबसे हाईएस्ट क्लास में कौन है? एस ही है, एस सबसे हाईएस्ट क्लास में भी है। फिर क्या लिखा हुआ है? एक्स की लंबाई वाई से अधिक है, एक्स जो है वाई से लंबा है, एक्स लंबा हो गया वाई से, एक्स वाई से अधिक लंबा है किंतु वी से कम है, लेकिन बी से कम है। देखो इस चीज से क्या बच रहा है कि ये यहाँ पे आएगा, इसके नीचे एक्स आएगा, इसके नीचे वाई आएगा। देखो 1, 2, 3, 4, 5 और सबसे लंबा कौन है? एस है, तो एस यहाँ बैठ गया। तो छयों को हमने अरेंज कर दिया लेंथ के अकॉर्डिंग, सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा ये है, एक चीज तो अरेंज हो गई। अब बात करते क्लास की, आगे क्या लिखा हुआ है हमारा, ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? लंबाई हो गई, टी और टी वाई से शीर्ष कक्षा में है। देखो अब ये देखो बात किसकी हो रही है, कक्षाओं की बात हो रही है। टी जो है बड़ी ऊंची कक्षा में है, किससे? वाई से। टी कक्षा बड़ी है वाई से, किंतु वी से कनिष्ठ है, लेकिन वी से छोटी कक्षा के अंदर है,
ठीक है, एक्स वी से वरिष्ठ है, एक्स जो है बी से V से बड़ा है, इतना हो गया। ठीक है, अब पूछा क्या है, V से वरिष्ठ किंतु नाटा कौन है, बताएं क्या होगा इसका आंसर। देखो Y, T, V और X, इतना हो गया, इतना हो गया हमारा। ठीक है, अब पूछा क्या है भाई, Who is senior but shorter than V, Who is senior but shorter than V, बताएं भाई इसका जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से कैलकुलेट कीजिए भाई फटाफट से, इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्लियर हो आपका, X, V, T, Y, बचा कौन सा, S और O रह गया यार, S और O V से छोटे हैं भाई, S और O क्या है, V से छोटे, सब छोटा तो क्या है O होगा, उससे ऊपर आपका S हो गया। ठीक है, ये आपका सीक्वेंस होगा किसका, क्लास का, क्लास का सीक्वेंस ये हो गया आपका, कौन सा हो गया, क्लास का सीक्वेंस ये हो गया। अब पूछा क्या है हमसे, V से वरिष्ठ किंतु नाटा कौन है, Who is senior but shorter than, एक सेकेंड एक सेकेंड, हिंदी में क्या लिखा है, Who is senior but shorter than V, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा, ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपको, Y, O, S, V और X, क्या है, Who is senior, V से बड़ा कौन है, X, V से बड़ा कौन है, X आपका सही आंसर है। क्लियर हुआ, S आपका X आपका बिल्कुल सही आंसर है, क्लियर हो गया। नीचे कोई भी है पता नहीं चलता, मतलब हमें नहीं फर्क पड़ता कि नीचे कौन है, इतना जरूर है कि V से ऊपर कौन है, X आएगा भाई, V से ऊपर क्या आएगा, X आएगा। तो ये था आपका अगला सवाल, तो कुछ सवाल तो इस टाइप के आते हैं आपके ऑर्डर रैंकिंग के अंदर। ठीक है, कुछ वैरायटी और भी आती है सवालों की, वो देखिएगा, कुछ वैरायटी और भी आती है आपके सवालों की, अब जरा वो देख लेते हैं एक बार, इसके अलावा कौन सी वैरायटी के सवाल हमको देखने को मिलते हैं। सवाल देखिए, ये भी कुछ वैरायटी है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलती है आपको। एक तो वैरायटी ये होती है, आपको देखना होता है कि छोटा कौन है, लंबा कौन है, मोटा कौन है, नाटा कौन है, एक तो वैरायटी ये होती है। एक वैरायटी क्या होती है, आप वो देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपकी ये वाली, क्या है, विवेक स्टैंड्स का है, लड़कों की एक पंक्ति में विवेक बाएं से 13वें स्थान पर है, पंक्ति है विवेक जो है बाएं से 13वें स्थान पे है, ये रहा भाई 13वां स्थान। फिर क्या लिखा हुआ है आपसे, रवि जो है 13वें स्थान पे है दाएं से, रवि भी 13वें स्थान पे है पर वो दाएं से है। अब इन्होंने क्या किया, अपनी जगह बदल ली, इनका मन नहीं था, इन्होंने जगह बदल ली अपनी, आर इधर आ गया, वी इधर आ गया। ठीक है, जगह बदलने के बाद क्या हुआ, रवि जो हो गया दाएं से 18वें स्थान पे हो गया, रवि क्या हो गया दाएं से 18वें स्थान पे हो गया, दाएं से 18वें स्थान पे हो गया। ठीक है, अब पूछा है पंक्ति में कितने लड़के हैं, पंक्ति में कितने लड़के हैं, देखो टोटल को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का वन, मतलब जिस स्थान से हम देख रहे हैं उस स्थान का दाएं और बाया पता होना चाहिए। अगर स्थान ये देखें तो इसका ये तो पता है हमें राइट, पर लेफ्ट नहीं पता इसका, लेकिन अगर ये स्थान देखेंगे तो इसका लेफ्ट कितना है 13, राइट है 18, तो 13 प्लस 18 कितना हो गया 8, 9, 10, 11, 31 माइनस का 1 कितना हो गया 30, आंसर का जगह 30, क्लास के अंदर या लाइन के अंदर आपके 30 बॉयज थे। क्लियर हो गया सवाल आपको, सवाल क्लियर हुआ, एक सेम सवाल ऐसा ही आपके लिए होमवर्क में, ये लीजिए आपको पास सेम टू सेम सवाल, ऐसा ही एक ये सवाल आपको होमवर्क में दे रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग और सॉल्व कीजिएगा, और आप लोग सॉल्व कीजिएगा। देखो मैं ये क्लास इसलिए लेती हूँ आपकी, इस क्लास को लेने का मकसद केवल एक ही है कि आपके छोटे छोटे टुकड़ों में आपको ये पता चल जाए कि एग्जाम में किस वैरायटी के सवाल आते हैं और आपको अप्रोच क्या होनी चाहिए सवाल को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि आज आपने क्या सीखा, ध्यान दीजिएगा, आज आपने क्या सीखा कि हम लोग अगर ऑर्डर रैंक का कोई भी सवाल आता है आपके सामने तो आप शुरुआत कैसे करते हैं, हमेशा उसको एक के ऊपर एक बनाएं। अगर आप ऐसे बनाएंगे तो आपके सवाल गलत ज्यादा होंगे, अगर आप एक के ऊपर एक बनाओगे तो गलती होने के चांसेस कम होंगे। दूसरी चीज क्या सीखी आपने, अगर आपके सामने ऑर्डर रैंकिंग का सवाल आता है तो लाइन वाइज लाइन पढ़िए और तुरंत उसका डायग्राम बनाइए, एक लाइन पढ़ो डायग्राम बनाओ, एक लाइन पढ़ो डायग्राम बनाओ, उससे क्या होगा आपका, उससे क्या होगा आपकी गलती कम होगी, टाइम बचेगा। तो ये कुछ बच्चे बहुत बड़ी गलती यही करते हैं, पूरा पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर वापस से पढ़ेंगे फिर डायग्राम बनाएंगे, भाई पूरा सवाल पढ़ाई क्यों था जब वापस से पढ़ना था। क्लियर हुआ सवाल, तो क्लास आपको इतनी ही है,
स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने इस क्लास का क्वेश्चन का, आप लोग को उसको होमवर्क में कमेंट करना है। तो क्लास को ऑफ करते हैं यहीं पे, टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको लगता हो कि आपके लिए क्लासेस यूजफुल है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि आपको डेली नोटिफिकेशन आ जाए, और एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपके लाइक से पता चलता है कि हाँ यार आप पसंद कर रहे हो चीज को। अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल नहीं है, बेकार में क्लास चलती है, आप एकदम फ्री है बोलने के लिए कि मैम ये बेकार में क्लास है, इसको बंद कर दीजिए, सिंपल है। अगर आपको लगता है क्लासेस आपके लिए यूजफुल है तो कमेंट करके बताइए कि हाँ मैम ये क्लासेस हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं हम लोग 8 बजे शाम को रीजनिंग क्लास के अंदर, रीजनिंग NTPCN ग्रुप डी के लिए। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। वापस से मिलेंगे हम लोग अपनी अगली क्लास के अंदर, बाय बाय।